हेलो दोस्तों दोस्तों यदि आपने धनी ऐप से लोन ले रखा है तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। आप रोज यूट्यूब पर वीडियो देख रहे होंगे कि धनी ऐप्स वाले वहां पर पहुंचे, लड़ाई हुई, पिटाई हुई, एजेंट आए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यदि आप फुल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए कि आपके साथ केवल क्या हो सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। यदि आपका लोन अमाउंट 30,000 या 25,000 से नीचे है तो उसमें आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। फिर तो आपके घर कोई एजेंट, कोई मतलब कि पुलिस केस बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो लाइफ में, पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यदि आपका अमाउंट 25,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर आपके साथ कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि रिकवरी एजेंट आ सकता है लेकिन आपके साथ लड़ने नहीं आएगा, अपना लोन मांगने आ सकता है, आपको एक नोटिस देने आ सकता है। केवल आपके पास जब आएगा, जब आपका लोन एनपीए में चला जाएगा, मतलब कि उसमें भी आपको 90 दिन दिए जाएंगे, 90 दिन के बाद आपको एक नोटिस मिलेगा। उसमें लिखा हुआ होगा कि यदि आप अपना लोन रीपेमेंट नहीं करते और 2 महीने में, उसमें भी आपको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा। यदि आप अपना लोन 2 महीने में रीपेमेंट नहीं करते तो आपकी संपत्ति की कुर्की हो जाएगी, ठीक है, आपको इतना चार्ज लगेगा। और यदि फिर भी आप रीपेमेंट नहीं करते 2 महीने में तो फिर आपको एक नोटिस और आएगा, उसमें आपको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। यदि फिर भी आप रीपेमेंट नहीं करता तो फिर उस कंडीशन में आप पे कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आपको इससे पहले डरने वाली कोई बात नहीं है, केवल आपका सिविल स्कोर डाउन होएगा। यदि आपका लोन 25,000 से नीचे नीचे है तो केवल आपका सिविल स्कोर डाउन होएगा, ठीक है। और उसमें भी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको, सेटल के मिलते हैं और आप किसी भी प्रकार से सेटल लोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको ये भी होने वाला है, लेकिन काफ़ी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं कि डरा रहे हैं कस्टमर को, इतना डरा देते हैं कि वो रीपेमेंट ना करे या करे वो कन्फ्यूजन में आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास पैसा हो तो आप रीपेमेंट कर सकते हैं, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप उसे कभी भी रीपेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना होगा, स्टार्टिंग में केवल आपके पास फोन वगैरह कॉल वगैरह आते हैं, उससे आपको एजेंट धमकाता है, डराता है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। लेकिन बाद में आपका सिविल स्कोर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद नोटिस वगैरह जब एनपीए में चला जाता है लोन तो आपको नोटिस वगैरह भेजा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा, यदि नोटिस भी आप उसका जवाब नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बाद यहां पर आपका लोन एनपीए में डाल दिया जाता है। इस प्रकार के आपके पास कंडीशन होने वाली है, इससे ज्यादा आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि फिर भी आपका कोई यहां पर सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा।